देख रहे हैं आरबीएन न्यूज, जो पहुंचाए आप तक सच्ची खबरें। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरबीएन न्यूज 24/7। जैतपुर वार्ड 184 में हम लोग इस समय मौजूद हैं, जहां एक तरफ जो है जन संवाद का माहौल बना हुआ है। निगम पार्षद और पार्षद प्रतिनिधि के द्वारा एमसीडी के अधिकारियों के साथ जहां एक तरफ क्षेत्र का दौरा किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोग यहां पे नालियों की सफाई ना होने के कारण, जगह जगह कूड़ा करकट होने के कारण काफ़ी प्रभावित हैं, काफ़ी परेशान हैं। और इसी कड़ी में बिलाल अहमद जी हमारे साथ मौजूद हैं, कुछ स्थानीय लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं जो अपनी समस्या हमसे साझा करना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं। तो सबसे पहले उनसे बातचीत करेंगे, क्या कहना है। सर, आपका नाम? मेरा नाम फैयाज अहमद है। अच्छा अहमद जी, कितने समय से आप रह रहे हैं कॉलोनी के अंदर? इस कॉलोनी एक साल से रह रहा हूँ मैं। इस कॉलोनी के सब मेन जो है ना इश्यू है, प्रॉब्लम बोलिए, ये नाली जो है ना उसकी सफाई नहीं हो पाती है। रोड पर पानी बह रहा है, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं। तो यहाँ के जो लोकल है एमएलए हैं, वो भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। जो पार्षद हैं यहाँ पे आम आदमी पार्टी की, हेमा सीतन भोरा जी, वो कभी आती हैं इधर? तो एक साल से नहीं आई है, वो इस एरिया में नहीं आई है। मतलब चुनाव जीतने के बाद नहीं आई है? नहीं नहीं, नहीं आई है, नहीं आई, मेरी नज़र में नहीं आई है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे सफाई व्यवस्था को लेकर? क्या सफाई व्यवस्था या एमसीडी के अधिकारी या निगम कर्मी यहाँ पे आते हैं सफाई वगैरह करने के लिए? सफाई मेरे के सामने एक दो बार तो लोग आए हैं और सफाई वगैरह किया भी है। यहाँ पे ये गेट पहले लगा हुआ था, कि गेट टूट जाने की वजह से गाय अंदर चली जाती है और ये पूरा का पूरा जो है ये मलबा जो है यहाँ के लोग जो है गंदगी कर रहे हैं। सोल्यूशन नहीं है अभी तक, जो सोल्यूशन जो निकाला गया है वो टेम्पोरी है, मतलब कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है इसका। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन ये कहेंगे बिल्कुल साफ हो गया, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको भी दिख रहा है कि यहाँ सारी गंदगी दिख रही है, नालियाँ भरी हुई है। अक्सर मैं देखता हूँ इसी जगह ज्यादातर कूड़ा कचरा रहता है या नाले अक्सर भरी रहती हैं। वो इन्होंने बताया ना कि यहाँ पे एक गेट था और वहाँ से जो है सारे लोग जो कचरा है वो यहीं डाला जाता है। यही सारी दिक्कतें हैं, कुछ तो ऐसी दिक्कतें हैं जो हमारी तरफ से हैं, कुछ ऐसी हैं कि जो हो नहीं पा रही, तो दोनों तरफ ध्यान देना है। सफाई की गाड़ियाँ नहीं आ रही, गाड़ियाँ भी नहीं आ रही, जो पहले गाड़ी आया करती थी जो कचरा वगैरह गाड़ी में डाल देते थे, वो गाड़ियाँ भी नहीं आ रही है। कितने समय से गाड़ियाँ नहीं आ रही हैं? मेरे ख्याल से 6 महीने 1 साल तो हो गया होगा तकरीबन, मतलब जब से निगम पार्षद नए निगम पार्षद यहाँ पे बने हैं। हाँ, पहले बीजेपी के थे। हाँ, अब जब से आम आदमी पार्टी के पार्षद आए हैं तब से गाड़ियाँ नहीं आ रही। एक आध बार गाड़ी आई भी है, आई है, लेकिन वो कब आती है कब जाती है कुछ पता नहीं चलता। पहले क्या था, आवाज़ करके आती थी तो थोड़ा सा लोगों को मालूम हो जाता था। एक परमानेंट सोल्यूशन होना चाहिए कि हर जगह जगह पे गार्बेज रख दें, सो डैट कि वहाँ लोग, अब जैसे कूड़ा करकट है, अब ये तो खाली प्लॉट है यहाँ पे डाल देते हैं लोग, ये खाली प्लॉट तो कोई सोल्यूशन नहीं। तो आज आपका सुझाव ये है कि जगह जगह जो है डस्टबिन होनी चाहिए, बिल्कुल सरकारी डस्टबिन होनी चाहिए, वो वहाँ से उठा लें, क्योंकि ये कोई सोल्यूशन नहीं है कि भाई किसी का प्लॉट खाली पड़ा हुआ है वहाँ डाल दिया, ये तो टेम्पोरी सोल्यूशन है। मेरा नाम मोहम्मद अली सैफी है। ये सैफी साहब ने एक अच्छी राय दी, एक अच्छा सुझाव दिया है कि अगर जगह जगह डस्टबिन रख दिए जाएँ तो शायद इतना कूड़ा जगह जगह ना फैलेगा। तो और कुछ लोग हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद बुरहान खान। सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? सफाई तो एकदम होता ही नहीं है भाई, सफाई के बारे में नहीं पूछिए, इतना गंदा रहता है। अभी जब जाड़े का जमाना तो देखिए पानी अभी बह रहा है ना, सर, निगम और जब गर्मी के जमाना होगा तो पूरा रोड जो है यहाँ से वहाँ से एकदम जाम हो जाता है, बड़ी मुश्किल से जाना आना होता है, लोग को चप्पल जूता हाथ में भी लेना पड़ता है। अच्छा जी, ऐसे यह हाल जी, अभी आप देख रहे हैं अपने नज़र के सामने, देखिए पानी जमा पूरा जमा यहाँ से वहाँ तक, इस पर कोई ध्यान सरकार देती नहीं है। पार्षद आते हैं यहाँ पे? बहुत कम, हम तो नजरे नहीं पड़ता, पार्षद आता क्या आता नहीं आता। आ गया, क्या कहना चाहेंगे सर आप सफाई व्यवस्था को लेकर? सफाई व्यवस्था यहाँ पे सही नहीं है, समझा, पार्षद आते हैं आकर के वो लीपा पोती करके चले जाते हैं, आते हैं लेकिन वो सफाई कर्मचारी इसको सही से साफ करे, नाले की मिट्टी निकले, जब वो पानी निकलेगा, नाले की मिट्टी भरा हुआ है तो पानी निकलेगा कैसे, कूड़ा पूरा भरा हुआ है, नाले की सफाई हो नहीं रही है, पानी कहाँ, हम लोग तो परेशान बने हुए, सब लोग अपने जगह पे भर भर के ऊँचा ऊँचा कर किए जा रहे हैं, सर का ये हाल है कि इस पर चलना मुश्किल हो गया है। अच्छा, ये जो ऊँचा किया जा रहा है ये लोग आप लोग अपने पैसे? हम लोग अपने पैसे से सब लोग ऊँचा कर रहे हैं, नाला वाला सब ये तोड़ के अपने लोग बना रहे हैं, ये नाला जो बना है ये सब अपने पैसे से लोग बना रहे हैं, ये वाला जो पुलिया से बना रहे हैं, और जो भी जहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं सब अपने पैसे से लोग कर रहे हैं, समझा, जो परेशानी होगी तो कहाँ कौन ये रखे, कोई सुनने वाला तो है नहीं, चाहे वो क्या कहते हैं हमारा एमएलए हो या हमारा पार्षद हो, कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। एमएलए के पास जाओ तो बोले मैं नहीं हूँ, पार्षद आता है, पार्षद आकर बस आएगा वो फॉर्मेलिटी करके चला जाएगा और कुछ होता नहीं यहाँ पे। सर, काफ़ी समस्या है यहाँ पे, आप भी यहाँ के कहीं ना कहीं राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और
पूर्व में प्रत्याशी भी रहे हैं यहाँ पे नगर निगम के, तो क्या कुछ कहेंगे सफाई व्यवस्था को लेकर? देखिए पिछले एक दो दिन पहले हमने एक महिला के पास गए थे, एक बहन के पास गए हुए थे जी। उन्होंने अपने घर के ताल्लुक से एक प्रेरणा मुझसे बयान करी कि बिलाल भाई मेरे घर में पानी जाता है जी, और उस पानी जाने की वजह से मेरे बच्चे बीमार हो रहे हैं जी, और उस बीमारी की वजह से हम मजबूर हुए। मैंने किसी बंदे से 10,000 रुपये उधार लिया, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे। फिर हमने रोड की नाली की खुद मरम्मत कराई और और खुद हमने उसको सही कराया। हमने बोला क्यों कराने की क्या इसी जरूरत पड़ गई, बोले कि अगर हम इसको सही न कराते तो हमारे बच्चे बीमार होते, हो सकता है कि इस दुनिया से वो अलविदा कर जाते, इतनी ठंडी हो रही है और इस ठंडी के उसमें हमारे बच्चे इस पानी को बर्दाश्त न कर पाते। आप खुद अपने आँखों से देख सकते हैं, न यहाँ पे रोड पे झाड़ू लगती है, ना नालियाँ सफाई होती है, ना स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। अगर इन तमाम समस्याओं को लेकर हम पार्षद जी के पास लोगों को भेजते हैं या मैं खुद फ़ोन करता हूं, उनकी तरफ से सुनी अनसुनी होती है, आश्वासन देते हैं और ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं करना चाहते हैं। कभी वो MCD का दस्ता लाते हैं और एरिया में घूम जाते हैं, एक माहौल बनाते हैं, सिर्फ दिखाना होता है। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पूरे दिल्ली में इस बात को शो करते हैं कि हम दिल्ली में काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, उसी तरीके से उनके कार्यकर्ता, उनके कर्ता धर्ता उन्हीं के रास्ते पे चल पड़े हैं। काम उनको नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करना है। एरिया की जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो चुकी है, परेशान हो चुकी है और पूरी तरीके से अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है कि हमारे कॉलोनी में कुछ काम नहीं हो रहा है। सर विधायक की अगर बात करी जाए तो विधायक को भी जो है 4 साल तकरीबन पूरा होने वाला है उनके कार्यकाल को, इन 4 सालों में कितना विधायक ने क्षेत्र के अंदर काम किया है, आपकी नज़र में क्या लगता है? देखिए चाहे वो विधायक जी हों, चाहे हमारे सांसद जी हों, चाहे वो पार्षद जी हों, किसी ने कुछ काम नहीं किया है। भाई अभी 2019 जब हुआ था, लोकसभा का चुनाव आया था, तो लोग कह रहे थे ओजोन की जगह वो जोन हो गया है, कई सारी कॉलोनीज को रिगलाइज कर दिया गया है। और अभी फिर चुनाव आ रहा है लोकसभा का, 2024 में चुनाव होगा मार्च में, फिर उनकी तरफ से एक भूमिका तैयार की जा रही है, जितनी भी पोस्टर लगाए जा रहे हैं, पोस्टर के जरिए से एक भूमिका तैयार की जा रही है कि जितनी भी अनऑथराइज कॉलोनीज उन्हें ऑथराइज किया जाएगा, फिर एक जनता को लॉलीपॉप दिया जा रहा है। तो जिस तरीके से सिर्फ चाहे वो पार्षद जी हों, चाहे MLA जी हों, चाहे हमारे सांसद जी हों, हमारे कॉलोनी में खासतौर से हमारे बदरपुर विधानसभा में कोई भी काम नहीं हो रहा है। आप बताइए हमारे कॉलोनी में कोई पार्क है? गवर्नमेंट की तरफ से कोई पार्क नहीं है। ये जो अभी 2 पार्क का उद्घाटन यहाँ पे हुए हैं NTPC ग्राउंड में, हाँ वो तो जनता ने कहीं ना कहीं उस पार्क को, उस जमीन को NTPC को कब्जा कर लिया है, उस पर खेलने के लिए क्यों? भाई जब लोग रहते हैं यहाँ पे, लोग बसे हुए हैं, हिंदू समाज के भी लोग हैं, अपने मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, हर समाज के लोग हैं, आखिर वो बच्चे खेलने कहाँ जाएंगे? उनको दिखा हुआ एरिया ओपन दिख रहा, वहाँ पे खेलने लगे, फिर लोगों को मजबूरी हो गई, खासतौर से जो यहाँ के प्रतिनिधि थे उनकी मजबूरी हो गई कि ज़मीन खाली पड़ी हुई है, लेकिन अभी भी ये ज़मीन पार्क में वो नहीं हुई है, चढ़ी नहीं है। आप इसको सर्च कर लीजिए या इस पर आप वो डाल लीजिए, क्या बोलता है, RTI डाल के चेक कर लीजिए, ज़मीन अभी पार्क में चढ़ी नहीं हुई है, सरकारी कागज़ों में चढ़ी नहीं हुई है ज़मीन है। लेकिन हाँ आप देख लीजिए, पार्क की बात हो गई, उसके बाद आप देख लीजिए कोई बारात घर नहीं हमारी कॉलोनी में, एक MCD का स्कूल है, आप देख लो उसकी क्या दुर्दशा हो रखी है, कभी टीचर नहीं होते, कभी क्या नहीं होते हैं। और ये हमारे MLA साहब एक रोड का उद्घाटन किए थे, पिछले 1.5 साल हो गए हैं, अभी रोड नहीं बना हुआ उनकी तरफ से,
रोड बनना क्या पेड़ नहीं कहते उनकी तरफ से, लोग उन्हें विकास पुरुष कहते हैं। मैं तो समझता नहीं हूँ कहाँ से विकास पुरुष हैं और कहाँ उन्होंने काम किया है। एक शौर्य की शीला दीक्षित जी को आप जाइए, उसी ज़माने में कांग्रेस ने ये सब रोड बनवा दिया था उन्हीं के ज़माने में, तो तभी से उनको विकास पुरुष का नाम दे दिया गया। असल में ये कांग्रेस ने काम करवाए थे सब, उसी वक्त इस स्कूल की भी नींव रखी गई थी, इसी मोड़बन में एक स्कूल है उसकी भी नींव रखी गई थी और बहुत सारे हॉस्पिटल के लिए ज़मीन दी गई थी। असल में ये सब जितने भी काम किए हुए हैं सब कांग्रेस के किए हुए हैं, लोग उस पर मलहम भी नहीं लगा पा रहे अच्छे तरीके से। अच्छा, निगम पार्षद के द्वारा जो है जन संवाद भी किया जा रहा है और नगर निगम के अधिकारियों के साथ दौरा भी लगातार, अभी दो दिन पहले भी उनके साथ दौरा हुआ था, तो इस दौरे में समस्याओं का समाधान नहीं होता क्या? देखिए, हम ये कहते हैं अगर निगम के जो जिम्मेदार हैं वो घूम रहे हैं या पार्षद जी आ रहे हैं यहाँ पर, पति पार्षद जी यहाँ पे आ रहे हैं या पार्षदा जी यहाँ पे आ रही हैं, क्या उन चीज़ों से क्या सफाई हो जाएगी? आप दो दिन पहले जहाँ पे वो क्या बोलते हैं आकर गए हैं, आप जाकर वहाँ का सर्वे कर लीजिए, क्या वो एरिया सफाई हो गया है? इस चीज़ का ये सलूशन नहीं है कि मतलब कि वहाँ पर आना जाना, सिर्फ वो अपनी भूमिका तैयार कर रहे हैं, लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे आते हैं जाते हैं और वहाँ पे काम करने का कोई भी उनका वो नहीं है। और एरिया में ये भी देखते हैं किस एरिया में क्या काम चल रहा है, किस एरिया में हमें जाकर इस बिल्डर को या फिर इस बिल्डिंग को हमें टारगेट करना है या इस बिल्डर से हमें इस तरीके से उगाई करनी है, कि उनका भी कहीं ना कहीं ये भी एक मकसद होता है। इससे पहले भी हमने आपसे ये बात रखी थी और फिर अभी रख रहा हूँ, उनकी तरफ से कोई मैं जवाब का इंतज़ार कर रहा था, कोई जवाब आया भी नहीं। उनका तो ऐसा कहना है, मेरी श्रीचंद बोहरा जी से एक उनका इंटरव्यू भी आया था, उसमें उन्होंने ये कहा था कि हमारे आने के बाद जो है गरीब आदमी आराम से अपना मकान बनाता है, उसको कोई परेशानी करता, उसके घर का लेंटर तोड़ने नगर निगम के लोग नहीं आते। आप जाके एक हफ्ते में सर्वे कर लीजिए, आपको कई सारे समरसेबुल लगाने वाले मिल जाएंगे कि जो हमारा समरसेबुल लगाया जा रहा है उनका पैसा इतना लिया जा रहा है, 30 गज की 35 गज की छत है, आप पता कर लीजिए जी ब्लॉक में ही तोड़ा गया है मकान, फिर उसके बाद बोहरा जी भेजे अपने लोगों को, वो गलती से आपके यहाँ पहुँच गया है, यानी पहले जख्म मारना फिर उसके बाद उसे मरहम लगाना, ये इनकी पुरानी आदत हो गई है। और बहुत सारे ऐसे मकानात मेरे पास मिसालें हैं, आप बोलेंगे तो मैं घर घर जाकर आपको बता दूंगा ये मकान टूटा है, ये मकान टूटा, ये मकान टूटा है। हम कहने का मतलब ये हमारा, जब चाहे इससे पहले भी पार्षद थे, इससे पहले भी पार्षद थे, लोग इतना त्रस्त नहीं थे, परेशान नहीं थे, जिस तरीके से अभी मतलब जनता पूरी तरीके से परेशान हो रखी है। अब बताइए, राशन कार्ड नहीं बन रहा लोगों का, कल महिला ने मुझसे कहा कि हमारा बिलाल भाई राशन कार्ड नहीं बन रहा है, जब भी जहाँ चले जाओ पेंडिंग हो जाता है, पेंडिंग हो जाता है। तो हमने उनसे कहा दिल्ली के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, उनकी नज़र में अब यहाँ पर कोई यहाँ पर गरीब नहीं बचा है। उन्होंने कहा भैया हम गरीब नहीं बचा, देखिए हमारे घर में खाने को नहीं है। तो हमने कहा मैं आपकी आवाज़ को डीएम तक पहुंचाऊंगा, ऐसे हमारे पास कोई राइट्स नहीं है, लेकिन फिर भी हम विपक्ष में हैं, हम आपकी आवाज़ वहां तक पहुंचाएंगे, हम डीएम साहब तक जाएंगे, उनकी अपील को करेंगे, या आप उनका राशन कार्ड बनवाएं या फिर आप उनका कोई ऐसा व्यवस्था बना दें उन तक राशन पहुँच जावे। तो जो इस तरह के वादे किए जा रहे हैं कि MCD के लोग आ रहे हैं, MCD के लोग जा रहे हैं, पति पार्षद आते हैं, पार्षदा महोदय जी आती हैं जाती हैं, उससे क्या निकलने वाला है एरिया का? आप देखिए यहाँ से बच्चे निकल रहे हैं ना, बच्चे किस तरह बच के निकल रहे हैं, महिलाएं निकल रही हैं यहाँ से, ये पानी ये चप्पल पहने हुए बच्चे, अगर ये पानी इनके पैरों में लगेगा, मोजे पहने हुए, ठंडी का वक्त है तो जाके घर में मोजे उतारने होंगे। क्या पति पार्षद को ये नहीं दिखता है, या पार्षदा साहिबा को ये नहीं दिखता है, या MLA या फिर यहाँ के जो MCD के लोग उनके अधिकारी ये चीज़ नहीं दिखती है? मैं मानता हूँ अगर यहाँ पर डस्टबिन लगा दी जाएगी, ये कूड़ा घर यहाँ दिख रहा है बिल्कुल यहाँ नहीं दिखेगा। कहीं ना कहीं पार्षद की जिम्मेदारी बनती है, पार्षद अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, उनको भागना नहीं है, अगर भागेंगे आंदोलन करेंगे और उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाएगी। तो ये थे यहाँ बिलाल अहमद जी और यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से हमने बात करी, तो मैं एक बार अपने कैमरे के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करूँगा, इतनी गंदगी यहाँ पर फैली हुई है, लोग काफ़ी परेशान हैं, रोज़ाना जल भराव की और कूड़े से आती हुई बदबू का सामना लोगों को करना पड़ता है। और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, क्या नाम है आपका? अब्दुल रशीद। अच्छा रशीद साहब, सफाई व्यवस्था को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितने कामयाब रहे यहाँ पे पार्षद एक साल में? यहाँ पे देखो जी, हम कम से कम 25 साल से रह रहे हैं, यहाँ पे कोई भी विकास नहीं हुआ। जब शीला दीक्षित जी आई थी, उन्होंने स्कूल का विकास करके दिया था, उन्हीं के नाम से स्कूल चल रहा था, और अभी स्कूल में भी कुछ मतलब अभी हुआ नहीं। 3-4 साल से स्कूल बन के तैयार हुआ है, पर उसमें ना तो बच्चे जा रहे हैं, ना पढ़ रहे हैं, ना कोई मास्टर आता है। अंदर कॉलोनी का क्या हाल है? अंदर कॉलोनी में देखो, आप खुद ही देख रहे हो, पूरे गलियों में मतलब पानी भरा रहता है,
बच्चे परेशान रहते हैं, हम लोग परेशान रहते, पूरा भेजे तो काम भेजे, रही बात मकान की बनने की, मकान बनने दे नहीं रहे, कूड़े की गाड़ियाँ नहीं आती, कूड़े कोई गाड़ी नहीं आती यहाँ पर, कहते कि हाँ हम गाड़ी भेज रहे, ये भेज रहे, कोई नहीं आता यहाँ पे, जी ब्लॉक से इधर तक कोई नहीं आता यहाँ पे, खाली उधर निगम पार्षद या पार्षद के प्रतिनिधि आप लोगों के बीच में आते हैं? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, जब खाली इलेक्शन का टाइम था, जब ये लोग आके हाथ पैर जोड़ के हमारे से वोट लेके चले गए, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम पार्क बनाएंगे, हम नालियाँ बनाएंगे, कोई नाली नहीं बनी, कोई पक्का विकास नहीं हुआ यहाँ पर। तो ये थे यहाँ के स्थानीय लोग जिनका आरोप है कि निगम पार्षद या पार्षद प्रतिनिधि जो है क्षेत्र की तरफ आते नहीं और कभी कभार आ जाते हैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं, लेकिन सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं कर पाते और यही समस्या यहाँ पे बनी हुई है काफ़ी लंबे समय से। तो आने वाले समय में पार्षद जी के द्वारा क्षेत्र के अंदर और क्या काम होता है या उनकी तरफ से क्या बयान आता है वो भी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।